पर वनांचल की, जहां आजादी के बाद पहली बार ग्रामीणों ने बिजली की रोशनी का दर्शन किया है, लेकिन गांव में बिजली के पहुंचते ही अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में बिजली पहुंचाने की क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। लेकिन पूरे मामले में ग्रामीण भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी साफ लहजे में बता दिया कि बिजली किसी प्रतिनिधि के बलबूते पर नहीं आई, बल्कि ग्रामीणों के अथक प्रयासों का नतीजा है। आज गांव में बिजली की रोशनी पहुंच गई है। गांव में बिजली पहुंची तो स्थानीय विधायक तोकन साहू ने झिरिया के समाधान शिविर में बताया कि उनकी मेहनत और सरकार की बदौलत बिजली आज इस गांव में पहुंची है, जिसका विधायक ने बिजली का बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया, साथ ही बिजली का प्रमाण पत्र देकर श्रेय लेने पहुंच गए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सागर सिंह ने बताया कि आज तक इस गांव में विधायक आए नहीं और श्रेय लेने पहुंच गए, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस गांव के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम है कि आज इस गांव में बिजली आई है। दिया जला के पढ़त रही हमें अंधेरे से रही सवे हाउ अबे दे आ गई सवे बहुत खुशी हमन आ गई से हमारे गांव में कह के 20 साल के बाद कोई नहीं रही से लाइट के प्रकाश नो रोड गली कोई जे मतलब यहाँ समय मतलब जगह नहीं रही से एकदम कीचड़े कीचड़ हुआ तरी से। उसके बाद फिर जब दौड़त दौड़त दौड़ी है ना ऊपर अधिकारी थोड़ थोर अरे कहाँ 60 साल से बिजली नहीं आ रही से भाई आजादी के बाद नहीं अभी सागर भैया के दौरान ना हुआ है ये बात। अच्छा थोड़ा से उसका बोली गलत है भाई इस बीच में हाँ क्योंकि बस्ती वाले भी सच बोला यार ऐसे सही है झूठ है वही लूट रहे। तोखन साहूला तो बोलत बोलत बहुत बोल डाले तब भी से हमारे गाँव में बिजली के बारे में ध्यान नहीं देवे तो भैया जी ला बोले तो भैया हाँ हमारे गाँव में बिजली ला तत्काल बिजली ऑफिस से बड़े बड़े ऑफिस तक फोन लगा करके तत्काल झिरिया में बिजली लगवाई से। आज झिरिया जैसे ग्राम पंचायतों में 72 साल के बाद यदि लाइट पहुंच रही है तो 15 साल से यहाँ के विधायक रहने वाले व्यक्ति उनसे पूछना चाहिए कि 15 साल तक आप क्या करते रहे। आज हम वनांचल क्षेत्र में आते हैं तो लोगों को सौगात देने के लिए आते हैं। हम लोग विशेष प्रयास किया गया, कलेक्टर साहब के पास गया, माननीय कलेक्टर के पास हम लोग कई बार गए, एसडीएम के साहब के पास, बिजली विभाग के एई है उनसे हम लगातार संपर्क में थे, तो ये भीड़ के हम के प्राथमिक प्रयास हमारे द्वारा किया। संदीप सिंह ठाकुर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, किसके प्रयास से पहुंची बिजली गाँव में? जी बता दो, पूरा मामला लोरमी के पहाड़ियों के बीच एक गांव झिरिया पंचायत है जहां पर आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। और जब आनंद फानंद में लोरमी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की टीम जब गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया और जिसको लेकर लगातार कई बार धरना प्रदर्शन की गई और आंदोलन भी किया गया। और जिसके बाद लोरमी विधायक के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह से भेंट कर ग्रामीणों की समस्या उनको भी अवगत कराया गया। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही जन समस्या निवारण शिविर के दौरान गांव पहुंचे थे विधायक। संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा, नागेश्वर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, यही है विद्युत विभाग में। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। जी त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इस गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी, गनीमत रही कि अब बिजली पहुंच गई, क्या कुछ समस्या बीच में आ रही थी जो बिजली नहीं पहुंच पा रही थी? नहीं, वनांचल था, वन ग्राम था, इसलिए नहीं पहुंच रही थी। जी अब शासन का भी प्रयास हुआ है, शासन के प्रयास से काम हो गया अभी। जी लेकिन त्रिपाठी जी, आप किसकी भूमिका मानते हैं, क्योंकि काफी साल गुजर गए बिजली नहीं पहुंची, बीजेपी की बात की जाए, सरकार की बात की जाए तो उनका कहना है कि हमारे प्रयासों के जरिए पहुंची, वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, दबाव बनाया, तब गांव में बिजली पहुंची। अब ये तो हम शासन की बात नहीं करते, लेकिन जिसका शासन है उसके प्रयास से पहुंची लाइट। जी तो बीच में मुख्य भूमिका किसकी मानी जा रही है, आप तक सबसे ज्यादा कौन पहुंचा, जिससे कि आप ही ऐसे हैं, आप ही विभाग के अधिकारी हैं, आप ही साफ कर पाएंगे कि ये पहुंचे थे और उनके कहने पर ये बिजली पहुंची है? नहीं, अब ऐसा नहीं हो, ये तो अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत पहुंची है लाइट वहाँ। जी तो उसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, विधायक की और सरकार की भूमिका है, अब पार्टी की हमको नहीं मालूम, लेकिन आज तो उसकी सरकार है, उन्हीं ने तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बनाई और उसी योजना के साथ काम हुआ है। क्योंकि विधायक तो पहले भी रहे हैं, लेकिन इतने सालों से क्यों नहीं हो पाया?
अब उसकी बात, हम तो अभी अभी पोस्टेड है, अभी उसके पहले 70 साल बहुत 70 साल पहले मैं पैदा नहीं हुआ था। जी 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 नागेश भाई जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब क्या 24 घंटे उनको बिजली मिल रही है? हाँ 24 घंटे मिल रही जी। और अब और भी कई ऐसे गांव होंगे आसपास, क्या उनको चिन्हित किया गया है जहां पर योजना के तहत बिजली नहीं पहुंची है? नहीं, अब जो डेंस फॉरेस्ट है जहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वही गाँव बचे हुए हैं, बाकी पूरे गाँव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर जी इस तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त ही छोर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल लौटते हैं।